मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फिफ्थ। कल भी हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर फिफ्थ पढ़ा था, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था मिठाई वाला। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फिफ्थ का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उत्ताद का मतलब चतुर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। उत्ताद, चतुर व्यक्ति, साफा, पगड़ी, समाचार, खबर, मेहनत, शर्म, रंगीन, रंगों से युक्त। अब हम देखते हैं इसके प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी है। कहानी का मुख्य पात्र यहाँ मुरली वाला बनकर आता है। यहाँ मुरली वाले के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि शंकुरा नगर में मुरली वाले का समाचार फैल गया है कि वह मुरली बजाकर और गाना सुनाकर मुरली बेचता है। लोगों को बहुत ही आश्चर्य है कि मुरली वाला मुरली बजाने में कुशल है। लोगों को यह चिंता है कि आखिर मुरली वाले को क्या बचता होगा? 2-2 पैसे में मुरली बेचने से लागत तो क्या उसकी मेहनत भी नहीं निकलती होगी। एक आदमी ने पूछा कि मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तो उसे उत्तर मिला कि उसकी उम्र अभी अधिक नहीं है, 30 या 32 वर्ष का होगा। वह दुबला पतला और गोरे रंग का युवा व्यक्ति है। मुरली वाला बीकानेरी साफा बांधता है। इससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि वह अपने राजस्थान का ही नागरिक है। अब हम क्या देखते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नगर में क्या समाचार फैल गया है? नगर में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया है। मुरली वाला मुरली किस प्रकार बेचता है? मुरली वाला अपनी मुरली बजाकर गाना सुनाकर बेचता है। मुरली वाले की उम्र कितनी है? मुरली वाले की उम्र 30 से 32 वर्ष की है। 2-2 पैसों में मुरली बेचने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? 2-2 पैसों में मुरली बेचने पर लोगों की प्रतिक्रिया है कि इसमें इसे क्या मिलता होगा? अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो अक्कर आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भई है वह एक उत्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं।
क्या पता ये फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। मृदुल मीठा मधुर, स्वर आवाज, नगर कस्बा, स्मरण याद। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाले नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। लेखक ने यहाँ मुरली वाले के प्रति रोहिणी के संजय और लोगों की सोच का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि मुरली वाले की चारों ओर चर्चा हो रही है। एक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा कि मुरली वाला वही तो नहीं है जो पहले खिलौने भी बेचता था। हो सकता है कि वह खिलौने वाला ही हो, परंतु वह है बहुत खुशहाल। इस प्रकार की चर्चा नगर में नित्य होती रहती। लोगों को मुरली वाले का वही मीठा प्रभावकारी स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। जब रोहिणी ने यह स्वर सुना तो वह अपने पति विजय बाबू के पास गई। उसने पति से निवेदन किया कि कृपया मुरली वाले को बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मुरली ले लूँ। उसका क्या पता फिर आए या ना आए, बच्चों तो पार्क में खेलने चले गए हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक है मुरली वाला है। मुरली वाले का स्वर कैसा है? मुरली वाले का स्वर मादक और मृदुल है। रोहिणी मुरली लेने के लिए किससे कहती है? रोहिणी मुरली लेने के लिए पति विजय बाबू से कहती है। रोहिणी को क्या संजय है? संजय है रोहिणी को क्या संशय है? रोहिणी को संशय है कि क्या पता मुरली वाला फिर आए या न आए। रोहिणी को क्या संशय है? रोहिणी को संशय है कि क्या पता मुरली वाला फिर आए या न आए। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामे ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। समाज अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। समाचार पत्र, अखबार, अम हम, बी भी, लेंदे लेंगे, मुरली मुरली। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र को खुला हुआ ही लेकर दरवाजे पर आ गए। वे मुरली वाले से मुरली का मूल्य पूछ रहे हैं। उसी समय बच्चे भागम भाग करते हुए हाँपते हुए आए। आते समय किसी की टोपी सिर से नीचे गिर गई, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की पाजामे ढीली हो गई। ढीली होने के कारण वह लटकने भी लगी। सभी बच्चे अपनी तोतली आवाज में एक साथ कहने लगे, मुरली वाले हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। बच्चों में मुरली पाने की व्याकुलता थी। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक बच्चों की आकुलता। विजय बाबू क्या पढ़ रहे थे? विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बच्चों का पार्क में क्या छूट गया? बच्चों का पार्क में जूता छूट गया। बच्चा एक स्वर में क्या बोल रहे थे? बच्चों एक स्वर में बोल रहे थे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी हो ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं,
भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। हर्ष, प्रसन्नता, गदगद, बहुत खुश होना, ठहरो, रुको। अब हम देखते हैं इसके प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी है। लेखक ने यहाँ मुरली वाले की संवेदनशीलता का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि बच्चों ने मुरली वाले को चारों ओर से घेर लिया। वे सभी मुरली की मांग कर रहे थे। मुरली वाला बहुत ही संवेदनशील था, वह बहुत प्रसन्न था। उसने बच्चों से कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, सभी को एक एक करके दूंगा, हम कहीं वापस थोड़ी ना जा रहे हैं। मुरली बेचने आए हैं, हमारे पास 57 मुरली है, सबको देखकर जाऊंगा। विजय बाबू की ओर देखते हुए मुरली वाले ने कहा कि बाबूजी, आपने पैसे पूछे थे तो ऐसा है कि 3-3 पैसे के हिसाब से मुरली बेची है, परंतु आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुरली वाला सभी से बातें करता है, मुरली भी बेचता है, वह संवेदनशील है। अब हम क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक है मुरली का मूल्य। मुरली वाले के पास कितनी मुरली थी? मुरली वाले के पास 57 मुरली थी। मुरली वाला मुरली कितने पैसे में बेच रहा था? मुरली वाला मुरली 3-3 पैसे में दे रहा था। मुरली वाला विजय बाबू को कितने पैसों में मुरली देने के लिए कह रहा था? मुरली वाला 2 पैसों में मुरली देने के लिए कह रहा था। अब हम देखते हैं इससे अगला पैराग्राफ। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ अब मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। भीतर मन ही मन, बाहर प्रकट हुआ, भाव मूल्य, बोझा वजन, लादना डालना, एहसान नेकी मदद। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी है। कहानी का मुख्य पात्र यहाँ मुरली वाले के रूप में आकर मुरली बेचता है। विजय बाबू ग्राहक की भूमिका में है। यहाँ ग्राहक की मनोवृत्ति, मन स्थिति का वर्णन किया गया है। अब हम क्या देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है कि विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का मूल्य पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो वह 3 पैसे में बेचता है, किंतु वह उनको 2 पैसों में दे देगा। मुरली सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि यह कैसा चतुर और चालाक मुरली वाला है, देता तो सबको इसी भाव से, परंतु मेरे ऊपर 2 पैसे की कहकर उल्टा एहसान थोप रहा है। विजय बाबू बोले कि फेरी वालों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते तो सभी को 2 पैसों की है, परंतु एहसान का बोझ मेरे ऊपर थोप रहे हो, मानो बड़ी कृपया कर रहे हो। वास्तव में अधिकतर ग्राहक सोचते भी ऐसा ही है, जबकि मुरली वाला झूठ नहीं बोल रहा था। अब हम क्या देखते हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मुरली वाले की शमन में विजय बाबू ने क्या कहा? मुरली वाले की शमन में विजय बाबू ने कहा कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। मुरली वाला मुरली कितने पैसों में बेचता था? मुरली वाला मुरली 2 पैसों में बेचता था। विजय बाबू ने मुरली वाले पर क्या आरोप लगाया? विजय बाबू ने मुरली वाले पर आरोप लगाया कि एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू मन ही मन क्या सोचने लगे? विजय बाबू मन ही मन कहने लगे कि देता तो सबको इसी भाव से, परंतु मुझ पर उल्टा एहसान
लाद रहा है। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी मैं इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम तो दो ही पैसा है। आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो थो निकाल दो। दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चों जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अप्रतिभ हैरान आश्चर्यचकित, दस्तूर रिवाज भाव कीमत झुंड समूह है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। लेखक ने यहाँ फेरी वाले के प्रति ग्राहक की सोच को उजागर किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि जब विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा कि मुरली सबको एक ही भाव से देता है, मुझ पर एहसान कर रहा है, इस बात पर मुरली वाला हैरानीजनक आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि बाबूजी आपको क्या पता कि मुरली का लागत मूल्य क्या है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी वस्तु बेचे तो वे भी ग्राहक को लगता है कि वह उन्हें लूट रहा है। हम पर कोई विश्वास क्यों करेगा। सच बात यह है कि मुरली का दाम दो पैसे ही है। थोक में मैंने 1000 बनवाई थी तब यह इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू ने कहा, अच्छा है, मेरे पास समय नहीं, शीघ्रता करके मुझे दो मुरली दे दो। मुरली लेकर विजय बाबू घर के अंदर चले गए। मुरली वाला बच्चों को बहुत देर तक मुरली बेचता रहा। मुरली अनेक रंग की थी, बच्चों को मनपसंद रंग की मुरली ली। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक ग्राहक और दुकानदार है। मुरली का लागत मूल्य क्या था? मुरली का लागत मूल्य दो पैसे था। मुरली वाले ने कितनी मुरलियाँ बनवाई थी? मुरली वाले ने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी। विजय बाबू ने कितनी मुरलियाँ खरीदी? विजय बाबू ने दो मुरलियाँ खरीदी। तो जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं उनको आपको क्या करना है? उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, और जो इनके क्वेश्चन आंसर है, इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से राइट करना और उनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।